जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज हैंड रिटन शीट नंबर 25 का प्रिंट आउट लें प्लीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड डिस्क के अंदर सबसे पहला पॉइंट, हमने पॉइंट चार्ज से कहानी शुरू की थी। पॉइंट चार्ज का ई हमें पता है, पॉइंट चार्ज का वी भी हमें पता है, ये पॉइंट क्लोज है, हमने कर लिया। रिंग, रिंग के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। और रिंग से याद आया, इस संडे को आपका पोटेंशियल का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फ्लक्स एंड पोटेंशियल। कुछ क्वेश्चन फ्लक्स के होंगे और कुछ पोटेंशियल के होंगे, प्लीज रेडी रखना। और उसको रेडी करवाने के लिए एक और तरीका है, अगली क्लास में आपका पोटेंशियल का यहां तक आपका फिर से टेस्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का। जब से स्टार्ट हुआ था एक टेस्ट तो हो चुका, सेकेंड टेस्ट यहां तक होगा। इसमें 10 क्वेश्चन मैं फॉर्मुले के भी दूंगा आपको, रिंग डिस्क जो मैं दे रहा हूं तो आपको फॉर्मुलाज भी इसमें, जैसे लास्ट टाइम ई के फॉर्मुलाज का हुआ था ना, अब वी के फॉर्मुलाज का भी अलग टेस्ट होगा। और शीट में से ही क्वेश्चन सारे आएंगे, तो प्लीज सारी शीट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के आना, फिर संडे का टेस्ट आपका बढ़िया हो जाएगा। दो बार होगा ना, तो तीन बार होगा, तीन बार, तो मतलब यही रेपिटेशन का प्रिंसिपल है, बार 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 करोगे तो चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। ठीक, तो मतलब पढ़ के आना। एक रिंग है, ध्यान आगे, ध्यान आगे। रिंग के ऊपर चार्ज है, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पे वी निकालना है। रिंग पॉइंट चार्ज तो है नहीं, स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा डी क्यू, ये कैपिटल आर है, ये एक्स है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, इसके ऊपर क्या लगाएगा, डी वी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सी डी वी की वैल्यू आ गई, बाकी सारी एलिमेंट भी डी वी लगाएंगे इस पे। टोटल पोटेंशियल इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट किया, सब कांस्टेंट है, टोटल इंटीग्रेशन जीरो, डी क्यू डी क्यू डी क्यू क्यू, आंसर आ गया। तो रिंग के एक्सिस पे अगर आपको वी निकालना है एक्स डिस्टेंस पे, तो वी का ये फॉर्मूला याद रखना। सेंटर पे वी निकालना है तो एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो, सेंटर पे वी याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, मैक्सिमम होता है सेंटर पे। ऑब्जेक्टिव में ग्राफ प्लॉट करना आ जाए तो सेंटर में मैक्सिमम होता है वी, अदरवाइज ये वेरिएशन शो होता है, ये आपने टिक मार्क करना है सीधा। रिंग का केस क्लोज। जिनको शौक है ज्यादा कैलकुलस का, उनके लिए मेथड नंबर टू, नहीं वैसे चाहिए नहीं मुझे, बता रहा हूं कई बुक्स ऐसा करती हैं। रिंग का ई हमने निकाला था, तो आप लोग क्या करो, ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई डी वी इज माइनस ई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लेना, 1 dv की इंटीग्रेशन वी है, E की इंटीग्रेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप कर नहीं पाओगे क्योंकि जब आप करोगे तो x और x न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है, और हमने u अपॉन v का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में किया ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं। तो इसके लिए आपको एक और इंटीग्रेशन की स्पेशल टाइप मैथ्स के टीचर सिखाएंगे प्लस टू में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये तब होगा, लिख दिया मैंने, जब सीख जाओगे रिवाइज करोगे तो अपने आप समझ में आएगा, मेडिकल को जरूरत नहीं है, नॉन मेडिकल वालों के लिए। V का फॉर्मूला याद हो गया, मेथड जो मर्जी हो क्लियर हो गया, पहले वाला मेथड ज्यादा आसान है वैसे। एक और तरीका है, आपको V का फॉर्मूला पता लग गया एक्सिस पे, आप अगर E निकालना चाहते हो बिना वेक्टर के, तो लिखो E इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, वी पुट करो, डिफ्रेंशिएट करो, E वही आ जाएगा जो हमने सेकेंड चैप्टर में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये ज्यादा आसान है, कोई वेक्टर नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, बस डिफ्रेंशिएट किया, आंसर आ गया E का। ठीक, ऑप्शनल है, प्लीज बता रहा हूं कि आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, मेरे को रिंग का फॉर्मूला चाहिए था, मुझे मैंने आपको बता दिया। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है रिंग का। दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये आपके टेस्ट में भी आएगा, पर मैं वैल्यू चेंज करके दूंगा, याद रखना, सीख लो कम से कम एक एक क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएगा अगर सीख लिया तो। क्वेश्चन है, दो रिंग्स हैं Q1 Q2,
एक्स डिस्टेंस पे है, रेडियस आर वन आर टू है, एक चार्ज को मैंने क्यू नॉट को बी से ए पे रखा, अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ क्या हुआ? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि मैंने बी से ए पे रखा तो वी ए माइनस वी बी, यहां तक क्लियर है? तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं आपको वी ए वी बी की वैल्यू बताऊं, वी ए ध्यान से देखना, ये पॉइंट इस रिंग के सेंटर पे है, तो सेंटर पे Q1 की वैल्यू कितना V लगाएगी, 1 by 4 pi epsilon not Q1 by R1 maximum, लेकिन ये पॉइंट इस रिंग के एक्सिस पे है, तो एक्सिस के ऊपर हमने फॉर्मूला किया था 1 by 4 pi epsilon not Q2 divided by under root of R2 square plus X square, पीछे वाला फॉर्मूला किया एक्सिस पे, तो एक्सिस पे जब निकालना होता है तो ये डिस्टेंस लेना होता है, X नहीं लेना होता, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो दोनों रिंग्स पोटेंशियल लगा रही हैं, उसी तरीके से जब VB का पोटेंशियल निकालना है तो ये रिंग खुद इतना लगाएगी Q2 by R2, और ये रिंग के लिए ये एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये क्लियर है यहां तक? तो VA VB आ गया, यहां पे पुट कर लेना, आंसर निकाल लेना, मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ दूंगा, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर टाइप कुछ ऐसे पाइथागोरस बना के, तो आप फिर मार्क करके आना टेस्ट में, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें हो जाएगा? ये V निकालने के लिए भूल मत जाना, V लोग सेंटर का लगा देते हैं, दो V नहीं निकालते, A पॉइंट पर दोनों रिंग्स V लगाएं, V लगाएंगी, B पॉइंट पे भी दोनों रिंग्स ही V लगाएंगी, कोई डाउट इसमें?